Thank you.
लेकिन ये बाधा हमको कौन दूर करते हैं? कहते श्री नरसिंह। जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई है, लेकिन सारे विपत्तियों से किसने उद्धार किया है? श्री नरसिंह भगवान ने ये उद्धार किया है। इसलिए भक्ति मार्ग में चलना बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन ये नरसिंह देव का कृपा हो तभी हम भक्ति जगत में सुष्ट रूप में अच्छे तरह से ये भक्ति मार्ग पर हम चल सकते हैं। इसलिए बोले सत्यम सत्ने न विघ्न नानी सहस्रेण तथा तपो विघ्न अजुतेन भवेत। अगर कोई सच बोले तो उसमें सौ बाधा है, अगर कोई तपस्या करे तो उसमें हजार बाधा है, अगर कोई भगवान कृष्ण को भक्ति करे तो भक्ति पद में बाधा पति पद में विपत्तियाँ हैं। इसलिए ये प्रहलाद श्री नरसिंह देव का अगर कृपा हो यही हमें भक्ति मार्ग में सारे बाधा विपत्ति को दूर करके ये हमें भक्ति मार्ग में यही हमें चला सकते हैं। इसलिए घर से निकलने से पहले नरसिंह देव का स्तुति करके घर से निकलनी चाहिए। इसलिए कहते श्री हमारी बात छोड़ दो, श्री चैतन्य महाप्रभु का समय था, जिस समय महाप्रभु भक्तों को लेकर के नवद्वीप में हरि कीर्तन कर रहे थे, इतने में किसने जा करके काजी को, उस समय जो मुसलमान का राजा था, किसने शिकायत कर दिया है? उस समय था मुसलमान क्लियर, किसने जाकर शिकायत कर दिया, देखो ये कहाँ से ये हिंदू लोग हैं क्या कर रहे हैं जगत में, ये हरि कीर्तन को प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम को ये प्रचार कर रहे हैं हिंदू लोग। इसको सुनते ही किसने हैं जब ये चीज को उन्होंने प्रचार की, और उसी समय जो श्रीवास पंडित वो लोग चार भाई थे, और ये क्या करते थे दिन रात अपना चार पे चार ही भाई मिल करके बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये 24 घंटा हर समय प्रभु की भजन कीर्तन करते थे ना। किसने जाकर के मुसलमान से रिपोर्ट कर दिया ये चार भाई हैं दिन रात भर क्या कर रहे हैं, ये हरि कीर्तन कर रहे हैं। वैसे ही मुसलमान लोग विरोध है। इतने में कोई एक खबर श्रीवास पंडित को पास आया, बोले जो लोग ये हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं ना, ये काजी क्या करेगा, सिपाही को भेज करके इनको बांध करके बंदीशाला में बंद कर देगा, इनको सब जेल में बंद कर देगा। अभी श्रीवास पंडित को ये खबर पहुँचते ही इतने में श्रीवास पंडित ने अपना घर में श्री नरसिंह देव को पूजा करना शुरू किया, क्योंकि नरसिंह देव ही भक्ति जगत से हमें बचाते हैं, हमें जितने बाधा विपत्ति से यही बचाते हैं। अभी बैठ करके नरसिंह देव को पूजा कर रहे थे, इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी घर में दौड़ दौड़ कर आए और दरवाजा बंद करके नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे, और महाप्रभु आए और एक प्यार में एक लात मारी दरवाजा, इतने में दरवाजा खुल गया तो देखा श्रीवास पंडित जी श्री नरसिंह भगवान को पूजा कर रहे हैं। बोले श्रीवास क्यों डर रहे हो, तुम मेरे नाम कीर्तन करते हो, किसने कहा ये मुसलमान राजा ने तुम्हें बंदीशाला में डाल देगा? बोले हाँ। बोले चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना इसलिए मेरे जो भजन साधन करते हैं भक्ति करते हैं हर समय में उसको रक्षा करता हूँ, हर समय उसको मैं रक्षा करता हूँ, इसलिए कोई चिंता मत करो, निश्चिंत होकर के भगवान की भक्ति करो, कोई चिंता मत करो, जिसको मैं रक्षा करता हूँ कितना जा कर आके साइया मार सके ना कोई बाल ना बांधा कर सके जो जगह गई हो, चिंता मत करो, निश्चिंत होकर के भगवान की भजन करो, भगवान हर समय हमें रक्षा करते हैं। बोले अगर राजा सिपाही को भेजते हैं मेरे भक्तों को पकड़ कर ले जाने के लिए,
मैं स्वयं जाऊँ। अब मैं स्वयं जा करके राजा को मैं बोलूँगा तुम्हारे पास में जो हाथी घोड़े हैं इनको तुम अपना कलमा उच्चारण कराओ, तुम अपना कलमा उच्चारण कराओ। अगर नहीं करा सके ना मैं वो हाथी घोड़े को मुँह से ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं उनको मुँह से ये महामंत्र में उच्चारण कराऊंगा। क्योंकि तब भी राजा आदेश देगा, सभी का हृदय में कौन बैठे हैं, मैं ही परमात्मा रूप में बैठा हूँ। जब तक मैं स्वयं हृदय से किसको प्रेरणा नहीं देता कौन बोलेगा, बोलने वाला तो भगवान है ना, बोलने वाला तो भगवान, सभी के हृदय में वही परमात्मा रूप में बैठे हैं। जब वो नहीं बुलाते हैं बुलवाते हैं जगत में कोई किसको बुला नहीं सकते। इसलिए बोले उसका प्रमाण देखोगे कहते श्रीवास पंडित का है कहते उनका जो भातुष्पुत्र भाई की एक एक पुत्री थी जिसका नाम थी नारायण, तो उन्हें छोटी सी बच्ची थी एकदम छोटी बच्ची बोले नारायणी किधर आ, बोलो तो कृष्णा बोल करके रो, तो जब महाप्रभु बोले एकदम छोटी बच्ची थी उसने कृष्ण बोल करके रोना शुरू कर दिया, हाँ इतने जोर से रोना शुरू कर दिया जिसको देख करके श्रीवास पंडित आश्चर्यचकित हुए। क्योंकि सभी के हृदय में भगवान बैठे करके सभी की हृदय से बुलवा दे। इसलिए महाप्रभु बोले कोई चिंता मत करो, निश्चिंत होकर के भगवान की तुम भजन करो, और जो भजन करते हैं उनको रक्षा करने वाले कौन हो, मैं स्वयं उनको रक्षा करता हूँ। मतलब महाप्रभु हमें आश्वासन देते हैं निश्चित और निर्भय होकर के तुम सबके सब भजन करो और मैं तुम सबको मैं रक्षा करूँगा। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। बोले श्री भक्त श्रेष्ठ श्रील प्रहलाद महाराज की जय। कहते ये प्रहलाद महाराज का प्रहलाद हम कहते ना ये भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की जय। कहते भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज कैसे हुए, कहते इनके पूर्व जन्म की कथा थी। कहते ये पूर्व जन्म में ये प्रहलाद महाराज एक वेश्या को प्रति आसक्त थे, ब्राह्मण घर में जन्म हुए लेकिन एक वेश्या को प्रति ये आसक्त थे। एक वेश्या कब तक प्रेम करती जब तक तुम्हारे पास में पैसा है, तब तक ये प्रेम करती है, और जब पैसा खत्म पास कहते ना आप कैसे हो, जब तक जेब में पैसा हो, पैसा खत्म पास खेल खत्म तो कौन हो। अभी ये प्रहलाद महाराज पहले जो थे एक वेश्या को पास में रोज जाते थे, धीरे धीरे घर का पैसा ले ले करके वो वेश्या को पास में धीरे धीरे चल रही, और जब तक पैसा तब तक वेश्या बड़ी आदर करती थी। करते 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 धीरे 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 घर का सारे पैसा लूट करके उसने पूरा उसने वो वेश्या को, जब वेश्या को दे दी घर का सारे पैसा खत्म। जब खत्म एक दिन वो वेश्या खाली हाथ में वहां पर पहुंची, ये किसने खाली हाथ में वेश्या के घर में पहुंची। जब पहुंचे बोले कोई माल लाए कि नहीं, बोले माल तो सारे खत्म, तेरे को तो दे दे करके सबका सारे पैसा मेरे खत्म कर दिया। बोले यहाँ पर खाली हाथ में मुंह दिखा के लिया गया, शर्म नहीं लगता है, भाग जा यहाँ से पैसा लेकर क्या। जब बोले इतने में वो इतने दुखी हो गए, बोले मैं घर के सारे पैसा धीरे धीरे करते करते इसके पीछे मैंने सारे संपत्ति लुटा दिया, और एक दिन खाली हाथ में आ गया तो ऐसे बुरी तरह से उसने गाली मार दी। वो बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर के घर में कब कुछ यही घर में जाएंगे क्या, घर में तो कुछ यही नहीं। अब उन्होंने दुखी होकर के जंगल में चले गए। जब जंगल में चले गए लेकिन उस दिन उनको पता ही नहीं था कि आज ही ये नरसिंह चतुर्दशी, उनको पता ही नहीं था। और वो वेश्या को बहुत प्यार करते थे, और अगर जो जिसको आप जितना ज़्यादा प्यार करो अगर वो कोई कठिन शब्द बोले ना तो हृदय में
कांटा जैसे चुभ जाती है, वैसे कांटा चुभ जाए निकाल दो तो गया, लेकिन अगर वाक्य रूपी बाण अगर हृदय में चुभ गया ना, वो कांटा फिर निकलती नहीं। वो तो दुखी होकर के एक जंगल में चले गए, जंगल में जा कर के एक मंदिर था, उनको भी पता नहीं था मंदिर में नरसिंह देव का मंदिर, और था उस दिन नरसिंह चतुर्दशी, इन्होंने गए और उसी मंदिर में बैठ कर बड़ी दुखी हुए, बड़ी दुखी होकर बैठे हुए। इतने में ये जो वैश्या थी इसने सोचा, भाई रे मैंने जो काम किया अच्छा नहीं किया, उसने पूरा दुनियादारी घर मकान दुकान सब कुछ मेरे लिए उसने लुटा दिया, और एक दिन खाली हाथ में आ गया तो मैंने इतना वाक्य बाण मैंने प्रयोग किया, मैंने जो काम किया वो काम मैंने सही नहीं किया। वो भी दुखी होकर के उसको ढूंढने के लिए वो गई, जब ढूंढने के लिए गई ढूंढते ढूंढते कहीं नहीं मिला, हो गया रात। जब रात हो गया ये भी दुखी होकर कुछ खाना नहीं खाए, और घूमते घूमते रात में वो जो प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म जो ब्राह्मण थे, जब उन्होंने जिस नृसिंह देव का मंदिर में बैठे थे, ये भी ढूंढते 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 जा करके उसी नरसिंह देव मंदिर में पहुंचे, लेकिन रात हो गया था। अभी वो एक कोने में बैठे हुए और ये भी एक कोने में बैठे हुए, और ये भी दुखी और वो भी दुखी है, और वो भी भोजन नहीं किया और ये भी भोजन नहीं किया, पूरा उनका निर्जला व्रत हो गया। किसका व्रत हो गया? नरसिंह भगवान की निर्जला व्रत, दोनों का ही निर्जला व्रत हो गया। हो गया तो एक नरसिंह चतुर्दशी का व्रत उन्होंने अनजान में दुखी होकर कर लिया, फिर दूसरे जीवन में क्या होकर जन्म हुए, कर श्री प्रहलाद महाराज बन करके जन्म हुए, उनकी पत्नी बनकर के जो वैश्या थी वही उनकी पत्नी बनकर के फिर आई। देखो एक दिन अगर नरसिंह देव का व्रत कर लो क्या हो गए, भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज हो गए। इसलिए नियम है आज का दिन व्रत रखनी चाहिए, एकादशी जैसे करते हैं वैसे ही आज का दिन एकादशी जैसे व्रत रखनी चाहिए। जिनको संभव होएगा कब प्रसाद खानी चाहिए, तब जब श्री नरसिंह देव जन्म हो जाए, कब नरसिंह देव प्रकट हुए, एकदम शाम का समय में, दिन नहीं रात नहीं ठीक शाम का समय में ये नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उनको प्राकट्य में उनको अभिषेक करके उनके चरणामृत लेने का बाद नियम है कुछ फलाहार करनी चाहिए। इसलिए जिनके लिए ये संभव है कोशिश करना आज पूरी व्रत रखने, और जिनके लिए संभव नहीं कोई बीमारी है आप लोग कम से कम कोशिश करना 12 बजे तक कुछ नहीं लेनी चाहिए, उसको बाद में कोई फल हो उसको बाद में आप ग्रहण कर सकते हो, और सख्याओं वालों के लिए शाम तक निर्जला व्रत रखनी चाहिए। इसलिए कभी नृसिंह देव को अगर कोई स्मरण करे है, नृसिंह देव को अगर कोई स्मरण करे विपत्ति से, अगर हृदय से स्मरण करना नृसिंह देव को जरूर रखा करें। इसलिए वहाँ पर बागपत में कथा कर रहे थे ना नवेंद्र प्रभु, कैसे श्री काजी जिस समय श्री महाप्रभु अपना भक्तों का आदेश दिया जाओ प्रति गली गलियों में क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रति गली गली में हरि कीर्तन करो। उस समय काजी ने क्या किया, उसने मृदंग को तोड़ दिया। कभी मृदंग कौन है, श्री बलदेव प्रभु, श्री बलदेव प्रभु ये मृदंग है, जो मृदंग तोड़ दिए भक्तों ने महाप्रभु के पास में शिकायत की, प्रभु हम कीर्तन कर रहे थे कि काजी और पाजी ये हमारी मृदंग तोड़ दिया, इतने में महाप्रभु स्वयं नरसिंह बन करके हैं रात को गए और सख्या उसकी छाती पर बैठ गए, बोले दुष्ट तुमने मेरे भक्तों का मृदंग तोड़ दिया, आज तेरी छाती को मैं तोड़ दूंगा। उसको छाती के ऊपर बैठ करके और नाखून से
हैं उसको छाती के ऊपर बैठकर नाकों से हृदय में फाड़ दूंगा। उनने भयंकर नरसिंह देव का रूप देखा, देख करके कहा बोले प्रभु आज से और ये ऐसे काम गलत काम कभी नहीं करूंगा, गलत काम कभी नहीं करूंगा। अब महाप्रभु दूसरे दिन जब सब भक्तों को लेकर गए उसको घर में, और जितने भक्त लोग थे सारे उनको पेड़ पौधा को धसनस कर दिया, और काजी छुप करके अंदर में चला गया बैठ गया। महाप्रभु बोले कहाँ मामा जी हैं? उन्होंने पूछो क्या बोले, बोले मामा जी तुम कहाँ हो, आ जाओ। क्योंकि पहले ये काजी कौन था, पूर्व जन्म में कंस है और कृष्ण का कंस क्या लगते थे, मामा लगते थे, वही कृष्णा भी महाप्रभु रूप में आए। इसलिए मामा जी कहाँ हो, निकलो बाहर। बोलने पर वो कांपते 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 आया, महाप्रभु का चरण में गिर पड़ा। बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई, आपका भक्तों का मैंने मृदंग तोड़ दिया। मैंने देखा रात में एक भयंकर एक प्राणी आकर के मेरे छाती पर बैठ करके बोले तेरे हृदय रूपी मृदंग को मैं फाड़ डालूंगा, तो मेरे भक्तों का मृदंग तोड़ दिया, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ और आज से मैं आपका भक्त बन जाऊँ और मेरे वंश में जो आएगा सबके सब आपका भक्त बनेगा। अगर मेरे वंश में कोई तेरे भक्त नहीं बनना तो उसका वंश से जाऊँगा। उनकी प्रतिज्ञा है, इसलिए अभी भी उनकी वंश में वो मुसलमान वंश में अभी भी कोई आते हैं ना तो भक्त बनते हैं। इसलिए श्री मायापुर में जब ये काजी ने शरीर त्याग दी, महाप्रभु स्वयं उनको समाधि दिए, उसको ऊपर में एक चंपक वृक्ष का एक डंडे को उन्होंने बो दिया। वो वृक्ष विशाल वृक्ष है, कौन कौन देखे हो, विशाल वृक्ष अभी भी विशाल वृक्ष है। अभी भी उनकी वंश में जो व्यक्ति आते हैं अभी भी भगवान की वो भक्ति करते हैं, अभी भी भक्ति करते हैं। इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं अगर तुम मेरे भक्ति करोगे, अगर कोई बाधा डाले ना उसका हृदय की छाती में फाड़ दूंगा, जैसे हिरण्यकश्यप का छाती मैंने फाड़ दिया था। तो एक सच घटना सुना, पहले जब श्री स्वामी महाराज ने विदेश प्रचार करने के लिए गए तो उसी समय जो रशिया है वो था कम्युनिस्ट कंट्री, वहाँ पर कोई दूसरे धर्म को प्रचार तुम कर ही नहीं सकते हो, हैं तो कम्युनिस्ट कंट्री नास्तिक हैं वो लोग, भगवान भगवान कुछ मानते नहीं। लेकिन महाप्रभु का भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आचेजत नगरा दिग्राम सर्वत्र प्रचार हरिवे और नाम। महाप्रभु का भविष्यवाणी एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में मेरे नाम गूंज उठेगा और सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सब लोग प्रसन्न होकर के मेरे नाम कीर्तन करें। इसलिए अभी जब स्वामी महाराज ने विदेश जाकर प्रचार किया उसका ऐसे प्रभाव विस्तार हुई। अभी रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, कुछ इस्कॉन के जो भक्त लोगों को लोग ने छुप छुप जा करके अपना ड्रेस बदला करके हैं छुप छुप करके जाकर उन्होंने रशिया में प्रचार किया। जब रशिया में प्रचार किया अभी रशिया सरकार को पता चला कि हरे कृष्ण वाले आ करके सबका दिमाग को खराब कर रहे हैं, सबका दिमाग को खराब कर रहे हैं, ये सबको भजन में लगा रहे हैं, नहीं तो मांस मछली छुड़ा रहे हैं, गज्जा अफीम भान शराब को छुड़ा रहे हैं और इनके गले में घंटी और तिलक देख करके इनको क्या कर रहे हैं, भक्त बना रहे हैं। अभी सरकार को पता चला तो सरकार को गुप्तचर को भेज दिए, सीआईडी को भेज दिए, देखो जो ये हरे कृष्ण वालों को पकड़ करके जेल में बंद कर दो। अभी सीआईडी ने पता लगा करके जो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे थे उनको उन्हें जेल में बंद करा दिया। जब जेल में बंद करा दिया अभी जेल में जो बंद है अभी
जो जेल में बंद व्यक्तियों को जो दंड देते हैं, मारते हैं, वो अलग अलग घर में है, अलग अलग रूम में सबके सब दिया हुआ है, कैसे कैसे सजा, कैसे कैसे अपराध करने पर कौन सा सजा मिलता, अलग अलग नंबर है, सब इनका अलग अलग रूम में दी गई। अभी ये लोग देखो कितने कठिन कष्ट करके भजन करते थे, अभी उनकी माला फला छीन ली गई है। अभी उनको जो ब्रेड खाने के लिए देते थे वो ब्रेड में वो माला बना करके 108 ब्रेड में माला बना करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार करके एक ब्रेड रखते वो माला बनाए, फिर एक बार हरे कृष्ण बोल करके अलग रखते, फिर हरे कृष्ण ऐसे उन लोगों ने भज लिया। हम लोग तो बड़े भाग्यवान हैं, खोले में कोई रोक ठोक कुछ है नहीं, हम लोग भगवान की नाम कर सकते तब भी हम नाम नहीं करते, लेकिन वो लोग इतने कष्ट स्वीकार करके जेल में ब्रेड में माला बना बना करके ऐसे भजन करते थे। अभी जो उनको सजा देते हैं वो जो जेल में उनको मार रहे थे, जब मार रहे थे उनका चित्कार आ रहा था, मत मारो और नहीं करेंगे, छोड़ दो छोड़ दो। अभी ये जो हरे कृष्ण वाले जेल में थे कि देख रहे थे हमारी बारी आ गई, हमें हमारी पिटाई करेंगे हैं। अभी करते 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 वो लोग मारते 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 अभी जो हरे कृष्ण वालों का नंबर कल से आएगा, करते 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 आज यहीं पर ख़त्म हो गया और कल से उनका नंबर आएगा। जब नंबर आएगा ये लोग तो बैठे बैठे करके हैं, पता है प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने विपत्तियों से रक्षा किया, ये लोग क्या कर रहे थे, माला में बैठ करके ये हरे कृष्ण नाम जप कर रहे थे और नरसिंह देव को पुकार रहे थे, हे प्रभु आप श्री प्रहलाद महाराज को कितने सारे विपत्ति से रक्षा किया है, कल तो हमारी बारी आएगी, कल हमें ये लोग पिटाई करेंगे, आप ही भक्तों को रक्षा कर सकते, हृदय से भगवान पुकार रहे थे। इतने में दूसरे दिन तक इनका नंबर आएगा, वो जो मार रहा था ना वो जब चला गया रात को सो गया, उसका घर में नरसिंह देव रखो और उसको छाती पर बैठी है नरसिंह देव, प्रकट होकर के बोले कल से जो हरे कृष्ण वाले हैं ना, अगर तुमने उनको पर हाथ उठाया तेरे को मैं छाती फाड़ दूंगा। बड़े भयंकर रूप से नरसिंह देव प्रकट हो गए, उसको घर में छापने बैठी गई, बैठ गए उसको छाती में नाखून को लगा दी, तेरे में छाती फाड़ दूंगा है अगर मेरे भक्तों को अगर कुछ बोला तो। इतने नरसिंह देव का भयंकर रूप है, फोटो देखा ना नरसिंह देव का कैसे भयंकर रूप है, वो व्यक्ति इतना घबरा गया उसने सवेरे होते भागते भागते उसने ये हरे कृष्ण वालों के पास में आए, बोले भैया तुम्हारे जो ठाकुर है ना उनको बोल दो मैं तुम लोग को कुछ नहीं करूँगा, मेरे रात में एक भयंकर कैसे कोई प्राणी आया और मेरे छाती पर बैठ गया और बोला तेरे छाती को फाड़ कर दे, तो मेरे छाती में नाखून का निशान है, तुम अपना ठाकुर को बोल दो, तुम लोग को कुछ बोलूँगा नहीं मारूंगा नहीं, तुम तुम्हारे ठाकुर को प्रार्थना करो है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं और मेरे को मारे नहीं तुम्हारे ठाकुर जी। फिर उन्होंने उनको मारा, अर्जुन उनको मारा नहीं, कुछ दिन बाद में फिर उनको जेल से उनकी मुक्ति हो गई। देखो अगर अभी भी कोई सच दिल से है नरसिंह देव को पुकारे, नरसिंह देव को स्मरण करे, अभी भी नरसिंह भगवान को रक्षा करते हैं, इसलिए नियम है हर विपत्तियों में अगर कोई आए तो हर समय श्री नरसिंह देव को प्रार्थना करनी चाहिए। प्लस नरसिंह भगवान की जय। कहते ये श्री जो नरसिंह भगवान है, कहते इनकी जो कथा है ना ये आता है श्री भागवत का सप्तम स्कंध में इनकी कथा है, और हमारे श्री तपन प्रभु जी आपको सुनाते हैं ना, हाँ जी सप्तम स्कंध का कथा सब सुना करके आपको तो पंडित बना दिए हमने, अभी रह रही है इसलिए
अभी भी खत्म नहीं हुआ, कितना महीना संघर्ष करें, उनका हृदय में बहुत सारे संकट है। इसलिए कदि जो सप्तम स्कंध को भागवत में, वहाँ पर भागवत में बताया उसमें 10 लक्षण है, कितना लक्षण है, 10 लक्षण है। उसमें तो 10 लक्षण में जो सप्तम स्कंध का जो लक्षण है क्या है, उती, उती, उती मतलब वासना, कर्म वासना। इसलिए बोले एक उसका उन्होंने उती दिया, उसका मतलब कर्म वासना को उती बोले। कदि जो कर्म वासना दो तरह का है, कर्म वासना एक है बढ़िया है और एक है गंदा है, एक शुभ और एक अशुभ है। कदि भैया हृदय में ये शुभ वासना कब प्रकट होता है और हृदय में ये अशुभ वासना कब प्रकट होता है? कदि हृदय में तभी शुभ वासना प्रकट होगा, कहते महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना है। मतलब है जब तक तो कोई महान पुरुष किसी संतों की कृपा नहीं होना, तब तक हृदय में कभी शुभ वासना हृदय में प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए भागवत में श्री प्रह्लाद महाराज भी बोलेंगे, बोले नैसांग मति स्थावत उरु क्रमांगी स्पिसर्थ अनर्थ अपगमम जगर्थ मह्यसाम निष्किंचना नाम न वृणित जावत। जब उसको पिता हिरण्यकश्यप प्रह्लाद बोले, ले प्रह्लाद मैं जो जो प्रश्न करता हूँ हर प्रश्न का तो क्या उत्तर देते हो? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सत्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्विका विष्णु भक्तिश्चेतन वलक्षण क्रियते भगवतर्थ्या तन्मन्ने दीतमुतम। जब उसको पिताजी ने पूछा, बताओ तेरे गुरुजी ने क्या विद्या पढ़ाया, विद्या में जो सबसे उत्तम विद्या बताओ, तो उन्होंने क्या बोले, बोले पिताजी जगत में सबसे उत्तम विद्या वही है, सबसे पहले गुरु जी और श्री ठाकुर जी की चरण में सबसे पहले तुम शरणागत हो गए, उनके चरण में शरणागत होकर क्या करो, कहते भगवान की कथा सुनो, भगवान की वंदना करो, भगवान की सख्य स्थापना करो, भगवान की आत्मनिवेदन करो, उनका दासत्व करो। अगर जीवन में तन्मन्य धीतम उत्तम जितना विद्याओं में जो प्रभु की जो नव विद्या भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, और इसके अंदर में अगर एक भक्ति को नौ को छोड़ दो, अगर एक भक्ति को अगर कोई जीवन में जाजन कर लिया तो उसको भगवत प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्त। जब उसने सुना बोले बताओ तुम्हारी ये दिमाग को किसने खराब किया, ये दिमाग किसने खराब कर दिया, क्या उसी समय तो एक हिरण्य का सुख था, अभी घर घर में हिरण्य का सुख हो गया। बच्चा अगर गद्दा काम करना सिगरेट फूके शराब भी घरी को बच्चा बहुत अड़बान से करता, लेकिन अगर गले में कंटी तिलक माला पहन लिया बोले तुम्हारी बुद्धि किसने खराब कर दिया है, इसे गौड़ी मठ में मर जाएगा, कि गौड़ी मठ के बाबा लोग सबको पागल बना देते हैं, हैं जो जाए गले में कंटी माला तिलक लगा करके हैं उनको भजन में लगा देते हैं। इसलिए बोले बताओ तेरे दिमाग किसने खराब किया, जो संडा अमर मतलब जो घुस है ना, क्या नाम था, संडा और अमर मतलब क्या है, संडा मतलब होता है सांप, यहाँ पर बहुत सारे सांप है, अमर का मतलब होता है बंदर। वो कौन सा शिक्षा देते थे, कैसे केवल पैसा कमाओ, कैसे पैसा कमाओ, एटीएम कार्ड बनाते थे और कुछ नहीं सिखा देते, तो पैसा कमाओ पैसा कमाओ सो बाहर में जाए सब हैं। इसलिए जो टीचर केवल पैसा कमाने का शिक्षा देते हैं और भक्ति का शिक्षा नहीं देते हैं, यहाँ पर उनको क्या नाम दिया, बोले सांड और सो बंदर ही समझे सब हैं, ये सांड और ये बंदर है। बोले ये सांड और बंदर तुम तुम्हारी बुद्धि क्या खराब कर दिया है, किसने बुद्धि खराब दिया है? तब उसी समय प्रह्लाद महाराज के पिताजी, तब तक ये बुद्धि भगवान के चरण में लगी नहीं सकती है
नैशां मति स्थावर गुरुप्रभाग्री तब तक ये मति भगवान के चरण में लग ही नहीं सकती हैं। कब तक? जब तक कि कोई व्यक्ति किसी निष्क्रिय चर किसी साधु के चरण में भक्तों के चरण में शरणागत नहीं हो, उनकी चरण धूलि को द्वारा अभिषिक्त नहीं करे, भले ही दुनिया में जो कुछ कर लो ये मति किसी तरह से प्रभु का चरण में लग ही नहीं सकती। और श्री भरत महाराज क्या कहते हैं, प्रभु गणेन न तपस्या, तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे, न जाति जात में नहीं मिलेंगे, पूजा पाठ से नहीं मिलेंगे, वेद अध्ययन से नहीं मिलेंगे, घर त्याग देने से नहीं मिलेंगे, अग्नि जल देवता पूजा करने पर भी नहीं मिलेंगे, हैं मिलेंगे कैसे, बिना महत्व दो रजभिषेकम। जब तक कि किसी साधु महान पुरुषों की कृपा नहीं हो जो कुछ कर लो कुछ भी होने वाले कुछ भी होने, इसलिए यहाँ पर इसका नाम देवभूति शुभ वासना कब हृदय में प्रकट होगा, जब किसी साधु की कृपा होगी, जब साधु, इसलिए उनका नाम क्या था, प्रहलाद, क्या नाम था, प्रहलाद, प्रहलाद मतलब क्या, प्र मतलब होता है प्रतिष्ठा रूप में पूर्ण रूप में, लाद मतलब होता है आनंद, तुम्हें पूर्ण रूप में आनंद कब मिलेगा, प्रहलाद कब बनोगे, पूर्ण रूप में आनंद कब मिलेगा, अगर किसी साधु की तुम्हारी परम कृपा हो गई तो। इसलिए प्रहलाद बने कैसे, जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, इतने में इंद्र आया और उनकी पत्नी कयाधु को पकड़ करके स्वर्ग ले जा रहा, इतने में बीच में नारद जी आ गए, बोले भैया कहाँ ले जा रहे हो, बोले मेरे अंदर में कोई दुर्वासना नहीं, इसका एक पिता दुनिया में टहलका बचा दिए और अभी है उसकी है इसकी पत्नी के गर्भ में भी एक बालक है, अगर ये बालक जन्म ले लिया ना, पिता और बेटा अगर मिल गए कहते हमारी काम खत्म, ये हमें तो स्वर्ग से निकाल देंगे, इसलिए मैं ले जा रहा हूँ, जब इसका बच्चा होगा ना बच्चा को मार करके फिर इनको वापस ले जाऊँगा। बोले तेरे को पता है इनके पेट में कौन है, बोले इनके पेट में भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री प्रहलाद महाराज है, इनके बाल भी कोई बांका नहीं कर सकते। जब उन्होंने ये बात बताई तो इंद्र प्रणाम करके परिक्रमा करते हुए चले गए और फिर नारद जी कयाधु को लेकर अपना आश्रम कर गए, आश्रम पर गए तो और हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तपस्या की और ये कयाधु उनके आश्रम में 60,000 साल तक रहा और नारद जी बड़े सुंदर सुंदर उनको कथा सुनाया करते थे, कथा सुनाते थे, इसलिए बोले ना तुलया मलबनापी न स्वर्ग न अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानाम किमुदासी से। जीवन में अगर एक लव अगर जीवन में साधु संग हो जाए जिसको साथ में स्वर्ग और मुक्त को बराबर नहीं कर सकते हो, कितना तात स्वर्ग अपवर्ग सुख करिए तुला एक अंग है, कहते एक तराजू ले लो, तराजू का एक तरफ में स्वर्ग से लेकर के मोक्ष तक स्वर्ग मोह जन्म तप सत्य उसको पर मोक्ष लोगे, ये सारे सुख को तराजू के एक तरफ में धर दो, तराजू के दूसरे तरफ में साधु संघ का एक है एक मुहूर्त का फल अगर धर दोगे तो पल्ला किसका पहुंचना पड़ेगा, साधु संघ, ये सब मिल करके भी ये साधु संघ की महिमा को साथ में बराबर नहीं कर सकते हो। और नारद जैसे संत है अगर 60,000 साल कोई अगर उनका संग करे फिर क्या होगा, प्रहलाद पेट में था और उसको मैया को कथा सुनाए और वो बैठ बैठ करके सारी कथा सुनते रहा, इसलिए बच्चों ने जब प्रहलाद को बोले, बोले प्रहलाद तो जो इतने सुंदर सुंदर बात बता रहे हो, हमारे गुरु जी संडा मर तो जो बात सुनाए तो बड़ी अच्छी अच्छी बात सुनाते हो, ये सब बात किसने सिखाया, बोले मेरे गुरु थोड़ी है संडा मर गए, मेरे गुरु का नारद है, वो माँ के पेट में रहते समय उन्होंने मेरे मैया को सब कथा सुनाई थी और मैया स्त्री थी ना उसको गुरु और मैं पेट में बैठी बैठी करके सारी कथा को मैंने सुन लिया, मेरे को याद सब कुछ, मेरे को सब कुछ याद है, मेरे को मैंने भुला नहीं है, इसलिए
कहते हैं ये प्रह्लाद श्री नारद जी कृपा से ये क्या बने, प्रह्लाद बने, पूर्ण रूप में आनंद हर्ष में जो प्रभु की भजन में मस्त रहते आनंद में। तो ये हिरण्यकश्यप कैसे बने और हिरण्यकश्यप कैसे बना, अगर किसी साधु अगर हमारे ऊपर बिगड़ जाए, कोई साधु अगर हमारे ऊपर बिगड़ जाए ना, फिर तो भक्ति भक्ति खत्म, भक्ति भक्ति खत्म हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को रूप शिक्षा में बोलते 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 देखो भक्ति तो एक लता है, उसमें पानी सिंचन करते रहो। अभी सुन रहे थे ना माधुर्य जी का, पहले एक अंकुर होगा, उसमें दो पत्ते आएंगे, फिर उसमें टहनी आएगी, फिर वो लता बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, फिर ब्रह्मांड को भेद करेगा, फिर वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा और सीधा वृंदावन जाकर के राधा कृष्ण के चरण में जाकर के वो लता आश्रय ग्रहण करेगा और उससे बढ़िया बढ़िया फल बगल छिलका और गुठली के उसमें फल खिलेगा निकलेगा, फिर तो बैठे बैठे खाते। लेकिन अगर बीच में कहीं गुरु अवज्ञा वैष्णव अपराध अगर कहीं हो गया बीच में, ये कैसे है, जैसे एक मतवाला हाथी किसी बाग में घुस जाए और उसने अपना सूर में लताओं को पकड़ करके क्या कर उसको उखाड़ करके फेंक दे, कभी वैष्णव अपराध जो गुरु अवज्ञा ये ऐसे है। अगर वैष्णव अपराध अगर किसी साधु चरण में अपराध हो गए तो फिर क्या होगा कि सब के सब भक्ति लता लिए उखाड़ फेंकेगा। इसलिए बीच में अपराध नहीं होनी चाहिए साधु चरण में गुरु जी के चरण में। कति ये बतवाला हाथी जैसे पूरा जैसे कोई पेड़ हो, अगर उसको बीच में काट दो ना फिर उसमें टहनियाँ निकलेगी, लेकिन अगर जड़ से उखाड़ दो तो फिर गए, जड़ से उखाड़ दो तो गए। इसलिए भक्ति जगत में सावधान रहनी चाहिए, किसी साधु संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई कठोर पानी नहीं खुलनी चाहिए जिसको हृदय में हमारी वजह से कोई कष्ट पहुँचे, इसलिए कभी नहीं करनी चाहिए। क्या होगा फिर हृदय धीरे धीरे सुख जाएगा हृदय। इसलिए भगवान कहते हैं अगर मेरे हाथ भी कभी अगर साधु के विरोध करे, मेरे भक्तों का मेरे हाथ भी अगर कोई विरोध करना, मैं अपना हाथ को भी काम कर लूँगा, मैं शांत नहीं करूँगा, भगवान कहते हैं। इसलिए ये वैष्णव अपराध भक्ति जगत में सबसे ज़्यादा खतरा है। इसलिए महाप्रभु अपना माँ को कभी भी उन्होंने प्रेम नहीं दिया, बल्कि फिर वैष्णव अपराध किया। श्रीवास पंडित ने वैष्णव का निंदा किया है, इसलिए उसका शरीर में कूड़ हो गया, गले में इसकी कूड़ हो गया उसके गले में, इसलिए वैष्णव अपराध बड़ा खतरा नहीं है। वैष्णव अपराध हृदय सूख जाता है, भगवान की भक्ति भक्ति भजन भजन में मन नहीं लगता। इसलिए भले ही भजन का हो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी साधु संतों को कभी बुराई कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के इसलिए बोले कारण है, हिरण्यकश्यप मतलब जिनके आँख में हिरण्य मतलब सोना और कश्यप मतलब होता है बिस्तरा, जिसका बिस्तरा ही सोना, जिसके आँख ही सोना, सोना मतलब है ये सुवर्ण में ये कली को स्थान दिया। परीक्षित महाराज सुवर्ण ने कि जो पाप कली को उन्होंने स्थान सुवर्ण में दिया है, इसलिए जिनकी आँख में केवल भोग वृत्ति बैठा हुआ, जिनकी बिस्तरा में केवल भोग वृत्ति बैठा हुआ है, भक्ति वृत्ति नहीं। लेकिन हुआ क्यों, जिस समय चतुसन ने वैकुंठ से भगवान की चरण तुलसी चंदन का खुशबू बहते हुए ब्रह्मलोक में आए, जब चतुसन की नासिका में प्रवेश की वो उन्माद हो गए, बोले पिताजी इतने सुंदर सुगंध कहाँ से आ रहे हैं, बोले ये वैकुंठ से ठाकुर की चरण तुलसी चंदन का खुशबू है, बोले जब उनकी चरण तुलसी की इतने खुशबू हो कितने खुशबू नहीं हो, बोले हाँ बेटे ठाकुर जी बड़े अच्छे जब दर्शन करके आओ। ब्रह्मा खुश हो गए, बोले क्यों, बोलिए भगवान को पहले हैं ये ब्रह्मवादी पहले थे, भगवान को निराकार निराकार मानने वाले, बोले जानते हैं तब तक कोई भगवान को निराकार बोलेगा जब तक ठाकुर का दर्शन नहीं करे। बोले कि नहीं पिलो का अति हर्षिता पर ब्रह्म सुधई मन त्यागा, भगवान को दर्शन करते सारे
ब्रह्म सुख खत्म हो जाती है तो जाओ एक बार दर्शन करके आओ, जाते दर्शन करके बदल जाएंगे, भक्त हो जाएंगे। जब छह दरवाजा पार हुए, सप्तम दरवाजा पे प्रवेश करना चाह रहे थे, जय विजय ने अपना छड़ी लेकर के रास्ता को बंद कर दिया। कहाँ जा रहे हो? नंगे धड़ंगे। अरे पता नहीं ठाकुर अभी लक्ष्मी को साथ में क्या कर रहे नहीं कर रहे, बिना पूछे अंदर में घुसते जा, रुक जाओ यहीं पर। इतने में जैसे सोए हुए सर्प को उसने छेड़ दिया, इतने में चतुष्ण का बड़ा क्रोध आया। हम जैसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए पूछने का जरूरत है, ये वैकुंठ लोग हैं। वैकुंठ मतलब क्या है? जहाँ पर कोई गुंठा धर्म नहीं, काम क्रोध लोभ डर भय, जहाँ पर कुछ नहीं, हमें पूछने का जरूरत। जाओ तुम दोनों को हम अभिशाप देते हैं, तुम राक्षस जन्म में चले जाओ। इसलिए चतुष्सर की अभिशाप हुई तो अगर साधु अगर इसके ऊपर बिगड़ जाए क्या होगा? है तो ठाकुर जी इतने में आ गए, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे है, बोले देखो अगर मेरे भक्त बन करके जाओगे ना सात जन्म के बाद में आओगे, अगर मेरे शत्रु बन करके जाओगे तो तीन जन्म बाद में आओगे, बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु जल्दी जल्दी हम वापस आना चाहते हैं, जाओ तो मेरे शत्रु बन करके जाओ। फिर पहले वो क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरे जीवन में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल दंतक, और चौथे में जगाय और माता। महाप्रभु लीला में मैंने उनको प्रेम प्रदान किया, उनको मैंने प्रेम प्रदान किया। बोले भैया अगर कोई अपराध करे उसको प्रेम कैसे मिलेगा? जगाय माता ही जैसे महाप्रभु का दर्शन है और रोज रोज एकला धरना, महाप्रभु का परिकर कैसे बन गए? बोले ऊपर में इनको देखने में लगता है ये भगवान के शत्रु है, इसलिए जब तो देखो चैतन्य अरि से सब चैतन्य लीला पुष्टि कर, जिनको ऊपर से दिखाई पड़ता है शत्रु है कहते तो शत्रु नहीं, दूसरे तरह से भगवान को लीला को मदद करने वाले। अगर जगह पाता ही नहीं होते महाप्रभु का इतना महिमा बढ़ता, अगर रावण कुंभकर्ण नहीं होता रामायण बड़े होता, शिशुपाल दंतपुत्र नहीं होते कृष्ण की महिमा बढ़ती, अगर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप नहीं होता फिर क्या प्रहलाद का इतना महिमा होता? हम सुनते प्रहलाद जी का था, सुनते नहीं नरसिंहदेव को कौन जानते हैं? नरसिंहदेव को कौन जानते कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए और बराह नरसिंहदेव का कभी महिमा बढ़ी? एक तरफ में क्या दिखता है शत्रु है, लेकिन दूसरे तरह से देखो तो भगवान को लीला को मदद कर रहे हैं, इसलिए मदद कर रहे हैं। तब भी उन्होंने क्या हुई? तब भी ये महाप्रभु के लीला में आए और महाप्रभु को प्रेम करना, उनको महाप्रभु को प्रेम प्राप्ति हुई है। इसलिए आज श्री नरसिंह देव का प्राकट्य है। आप लोग सब शाम को यहाँ पर कितना बजे प्रोग्राम शुरू कर दिया? 5 बजे। इसलिए 5 बजे सारे भक्तों को बोल देना और जितने सारे भक्तों को सूचित कर देना जरूर आए, क्योंकि अगर मंदिर में नहीं आएंगे ना कथा नहीं सुनेंगे तो फिर भक्ति भजन नहीं कर सकते हैं। मंदिर में आएंगे कथा सुनेंगे नरसिंहदेव कौन प्रहलाद महाराज कौन पता चलेगा, तब तक धीरे 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 भक्ति जगत में हम बढ़ेंगे। इसलिए सारे भक्तों को हाँ सब बोल देना जरूर आज शाम 5 बजे आए और यहाँ पर कीर्तन करेंगे, कथा होगी नरसिंहदेव की है, यहाँ पर अभिषेक होगा, नरसिंहदेव का कथा सुनेंगे, आरती सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे, एक तो ठीक है। बोले श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्व विघ्न विनाशन करने श्री देव की जय, निताई गौर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
Nrsimha Stuti. Namaste. Namaste Nrsimha. Thank you.